दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचने लगते हैं, हमारे भीतर का एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है और थकान भी कम होने लगती है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे खून में एड्रिनेलिन की मात्रा भी अचानक से बढ़ चुकी होती है। आज 16 मई 2024 को मन में इतना रोमांच था कि वह अभी उड़कर रारम ग्लेशियर पर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर हमारे शरीर के उच्चतम भाग में बैठा हुआ हमारा दिमाग मानने को राजी ही नहीं था। वह हमें एक ओर लिंगुराली से रालम ग्लेशियर की दूरी, जो कि लगभग 28 किलोमीटर थी, उसका भान करा रहा था, तो दूसरी ओर लिंगुरानी की समुद्र तल से ऊंचाई 2600 मीटर, वहीं रालम ग्लेशियर की ऊंचाई 3960 मीटर बताकर चने के झाड़ से उतार रहा था। इस लिहाज से हमें वर्टिकली 1360 मीटर ऊपर लिफ्ट करना था, जो कि 4550 फीट होता है, जबकि क्लाइंबिंग एक्सपर्ट्स एक दिन में 2000 फीट से अधिक वर्टिकली लिफ्ट करने को खतरनाक मानते हैं। माउंटेनियरिंग एथिक्स कहती हैं कि यदि आप किसी परिस्थिति में 2000 फीट से ऊपर वर्टिकली लिफ्ट कर भी जाते हैं तो रात को सोने के लिए नीचे उतरना ही सेफ होता है। लेकिन हमारे दिलों में उमड़ता हुआ जुनून आज कुछ अभूतपूर्व करने को बेताब था। अरे हाँ मित्रों, मेरी आपको सलाह होगी कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को पूरा अवश्य देखें, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उन्होंने का कोई बिरादर है। आज की हमारी चढ़ाई बड़ी लंबी होने वाली थी, इसलिए सुबह जल्दी ही उठकर फ्रेश होकर और मैगी का फटाफट वाला नाश्ता तैयार कर उसको खा के हम लोग बहुत तेजी के साथ लिंगुरानी से आगे बढ़ चले थे। कल भी लंबा ही चले थे, इसलिए सभी का शरीर दुख ही रहा था, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था। हमने लिंगुरानी को पार करते ही रालम नदी पर बने हुए लकड़ी के इस पुल को पार किया। रालम नदी के उफान और इस पर बने हुए इस पुल को हिलते हुए देखकर हमारे कलेजे भी हिल गए, पर मक्कू ने तपाक से पुल को पार कर लिया तो हमको भी थोड़ी हिम्मत आई और हमने भी जैसे तैसे इस पुल को पार कर ही लिया। अब हम धीरे धीरे रालम नदी के साथ साथ ऊपर को बढ़ रहे थे, लेकिन चूंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नदियां बहुत तेजी के साथ नीचे उतरती हैं झरनों के रूप में, इसीलिए उसी अनुपात में हमारा रास्ता भी बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा था और हमारे फेफड़ों का इम्तहान तो अब बाकी था। न जाने ऐसे कितने और पुल पार करने पड़ेंगे। ओह, ऐसे में हमारे फेफड़ों का कड़ा इम्तहान होता है और चूंकि नदी बहुत तेजी से नीचे उतरती है तो वह अपनी ताकत से बड़े बड़े बोल्डरों को अपने साथ नीचे बहाती हुई लेकर आती है, जिन्हें धीरे धीरे वह घिस कर रेत में तब्दील कर देती है। वाओ, द पावर ऑफ द नेचर। ये देखिए रालम नदी का रौद्र रूप। मई के महीने में ये हालात हैं तो बरसात में कैसा होता होगा, और इतने बड़े बड़े बोल्डर्स सारे के सारे इसी नदी के द्वारा बहाकर लाए गए हैं। वाव, द पावर ऑफ द नेचर। इस रास्ते पर चलते हुए आप कब कैसी परिस्थिति में पहुंच जाएं कह नहीं सकते, और खासकर इस रास्ते की क्वालिटी की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। सो ट्रैक ऑन योर पर्सनल रिस्क। रास्ता है भी और नहीं भी, आप अगर यहाँ से एक बार को गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। चलो मक्कू। हम लिंगुरानी से करीब 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और यहाँ से देखिए
खलिया टॉप जीरो पॉइंट का विहंगम दृश्य। ये है जीरो पॉइंट और ये है मैनसिंह टॉप। वी शेप्ड वैली में चिलचिलाती हुई धूप में चलना आपको पस्त कर देता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ने के साथ साथ वातावरण में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घटना भी एक नई चुनौती पेश करता है। लेकिन आपके भीतर का एक्साइटमेंट लेवल और हाइट बढ़ने के साथ ही दिखने वाले अलहदा नज़ारे आपका टेम्परामेंट बनाए रखते हैं। गॉर्जेज एंड कैनियंस, इतनी जबरदस्त स्लाइडिंग आई हुई है। करीब 4 घंटे पैदल चलने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं सापा उडियार, जहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा पथिकों के विश्राम हेतु एक टिन सेट बनाया हुआ है। अब हम कुछ देर यहीं रुककर पेट पूजा करने वाले हैं। ये है सापा उडियार। हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी और खिचड़ी भी यहाँ पर जो हमने खाई थकने के बाद मटन बिरयानी से कम नहीं थी। और ये देखिए घोड़ों में लाद करके सामान रालम की ओर जाता हुआ, और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इतना विशाल ग्लेशियर। हालांकि ये रालम ग्लेशियर नहीं है, रालम ग्लेशियर अभी हमसे करीब 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो रालम नदी ऊपर से आ रही है इस ग्लेशियर के नीचे से निकल करके जा रही है। देखिए किस तरह से, वाह। और ग्लेशियर के ऊपर ये जो भूरा भूरा सा आपको दिख रहा है मिट्टी, पत्थर और कंकड़, इसको ग्लेशियल मोरेन कहा जाता है। दोपहर का 1:30 बज चुका था और हमें अभी बहुत चलना बाकी था। पेट भर कर खिचड़ी खा चुके थे जिसके कारण हमें चलने में सुस्ती आ रही थी, लेकिन चलने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प था भी नहीं। इसी दौरान हमें इस घाटी में सीबक थॉर्न के बहुत सारे पेड़ मिले। यह हिमालय की एक रामबाण औषधि है। सीबक थॉर्न का प्रयोग मेडिकल साइंस में कई प्रकार से किया जाता है। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सापा उडियार से करीब 2 घंटा और चल चुके थे। 3:30 बज चुका था लेकिन अभी तक मारजाली का कोई अता पता नहीं था। रास्ते में जो भी लोग मिल रहे थे उनका कहना था कि मारजाली केवल 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम पिछले 2 घंटे से यही सुन रहे थे। इसी बीच लगभग 4 बजे हमें चिनार के पेड़ों का बड़ा बंच मिला और हमने कुछ देर यहीं रुकने का निर्णय लिया। आखिर ऐसे ही कुछ बेहतरीन पलों को जीने के लिए तो हम यहाँ आए थे। यह है चिनार का एक बहुत विशालकाय पेड़, कश्मीर का राज्य वृक्ष, और बहुत सुंदर दिखाई देता है जाड़े के दिनों में। बिल्कुल नारंगी रंग से पूरे जंगल को ढक देता है। अभी हमने एक साथ सैकड़ों की संख्या में चिनार के पेड़ देखे थे, अब ये देखिए भोजपत्र। पूरा एक जंगल यहाँ पर को भोजपत्र और थुनेर से भरा हुआ है और हम हैं मारजाली से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। शायद अगले 1 घंटे 1 घंटे में हम मारजाली पहुंच जाएंगे और हमारे टीम लीडर सबसे आगे चलते हुए
और ये चिनार यानी कि मैपल ट्री, कनाडा का राष्ट्रीय वृक्ष और जम्मू कश्मीर का राज्य वृक्ष। वाव। और अब ट्री लाइन के आसपास हम हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही पेड़ दिखना बंद और केवल एल्पाइन मीडोज होंगे। वाव। लेकिन ज्यादा देर बैठना भी घातक हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर टेंट लगाने के लिए भी कहीं स्थान नहीं है। सुबह चले तो थे कि शाम तक रालम गांव को हिट कर जाएंगे, पर अब तो मारजाली पहुंचना भी दुष्कर लग रहा था। एनर्जी लेवल बहुत नीचे आ गया था। मक्कू भी बार बार मेरी ओर देखकर ठहर जाने की अपील कर रहा था। खैर, अब हम धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार चले जा रहे थे। इसका फल भी देखने को मिला, लेकिन शाम 7:30 बजे हम मारजाली के शानदार बुग्याल में पहुंच चुके थे, लेकिन अंधेरा होने लगा था। मैंने कैलाश और रामदा को टेंट लगाने को बोला और स्वयं अनिल के साथ खिचड़ी बनाने लगा। करीब 8:30 बजे हम खाना खाकर समुद्र तल से 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मारजाली के अपने कैंप में निढाल होकर अगले दिन के रंगीन सपनों में खो चुके थे। आज 17 मई 2024 हमारी यात्रा का चौथा एवं ट्रैक का तीसरा दिन था। हम सुबह 5:30 बजे ही उठ गए थे, टेंट पैक कर फटाफट मैगी बनाई और नाश्ता करके फटाफट रालम गांव की ओर बढ़ चले। हमने मारजाली में ही एक परिवार से भेंट की, जिनका घर शीतकाल के दौरान भालू द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उस क्षति का विवरण नोट किया और आगे बढ़ चले। अच्छा, ये घर किसके नाम पे हुआ फिर? आपका नाम है हीरा सिंह? अच्छा, आपका अच्छा, उनका नाम है, उनके पिताजी का नाम क्या हुआ? गोवर्धन सिंह ग्वाल। चलो, ये मारजाली हुआ ना? ठीक है, रिपोर्ट बना देंगे हम इसकी। अपने पुरखों को याद करने की एक मिसाल यहाँ पर को आप देख सकते हैं। सभी अपने दादा परदादाओं के स्मृति पटल यहाँ पर बनाकर लोगों ने लगाए हुए हैं। दो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ये इनकी सांस्कृतिक धरोहर है। इसके ऊपर देखिए इनके भेड़ें और झप्पू चर रहे हैं और खूब सारी जूनीपर की झाड़ियाँ। जूनीपर अर्थात जूनीपेरस इंडिकस, और इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में बिल्ल बोलते हैं, और इसका ये लोग ईंधन के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई और लकड़ी तो यहाँ पर मिलती नहीं है। कई छोटी बड़ी खाइयों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान हमें बंगा पानी के पार दाखिम गांव के एक अंकल मिले, जो यहाँ वर्षों से अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते हैं। उनसे कुछ देर उनके घर परिवार और इस कठिन जीवन शैली पर चर्चा की और फिर आगे को चल दिए। मिस्टर भट्ट, हम और क्या कर सकते हैं? बकरी को आपके बाग आग मार देगा तो उसमें सरकार से वो दिला सकते हैं, मुआवजा दिला सकते हैं। दाजी, आपका गांव कहाँ हुआ? धामी गांव। अच्छा, धामी गांव से यहाँ आते हो? ठीक, कब आए थे? 10-15 दिन हो गए। तो हर साल यहीं आके रहते हो? 8-10 साल की बात है। अच्छा, अब कीड़ा जाओगे? नहीं। बकरियाँ, कितनी बकरियाँ हैं आपकी? मेरे तो नहीं। अच्छा, आप इनके साथ में आए होंगे। ठीक। अपने पुरखों को याद करने की एक मिसाल यहाँ पर को आप देख सकते हैं। सभी अपने दादा परदादाओं के स्मृति पटल यहाँ पर बनाकर लोगों ने लगाए हुए हैं। दो यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ये इनकी सांस्कृतिक धरोहर है। इसके ऊपर देखिए इनके भेड़ें और झप्पू चर रहे हैं और खूब सारी जूनीपर की झाड़ियाँ। जूनीपर अर्थात जूनीपेरस इंडिकस,
और इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में बिल्ल बोलते हैं, और इसका ये लोग ईंधन के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई और लकड़ी तो यहाँ पर मिलती नहीं है। रास्ते जब इतने खूबसूरत हों तो फिर पथिक मंजिल की चिंता करना भी भूल जाता है। सुबह की कुनकुनी धूप में हम धीरे धीरे चलते हुए 11 बजे लगभग इस दूरस्थ माइग्रेशन वाले गांव रालम पहुंच ही गए। आज का हमारा ठिया हमने यहाँ के प्राइमरी स्कूल में बनाया, और फिर शीतकाल के दौरान बालू द्वारा उजाड़े गए घरों का निरीक्षण किया। स्कूल में ही अपने लंच हेतु जम्बू में छोंक कर खिचड़ी बनाई। दोपहर 1 बजे खिचड़ी खा लेने के बाद हमने यहाँ से रालम ग्लेशियर की ओर रुख किया। अब हम रालम गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर 3,964 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रालम ग्लेशियर की राह पर थे। रालम ग्लेशियर तो अभी दूर था, लेकिन घाटी के दोनों ओर सैकड़ों छोटे बड़े ग्लेशियरों से निकलकर पानी की धवल धाराएं हमारा रास्ता रोक रही थी। ये देखिए, कदम कदम पर ग्लेशियर्स। वाओ, हम अभी रालम गांव से निकले हैं करीब आधा घंटा पहले रालम ग्लेशियर के लिए, लेकिन रास्ते में तो ग्लेशियरों की लाइन लगी हुई है जी, और हम हर जतन करके भी उनको पार कर जाना चाहते थे। मक्कू भी कम नहीं था, वह भी कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर इस हाड़ कपाने वाले ठंडे पानी को पार कर ही जा रहा था। ये देखिए, ये रास्ता है भी और नहीं भी, आप इसको रास्ता मानो चाहे ना मानो, लेकिन ऐसे ग्लेशियल वाले रीजन में आपको ऐसे ही रास्ते देखने को मिलेंगे, और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उधर हमें घाटी के दूसरी ओर एक बड़ा सा झुंड याकों का चरते हुए दिखाई दिया। उत्तराखंड में ये हमारा पहला अनुभव था। लगभग 3:30 बजे हम कुमाऊं के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर के स्नाउट पर पहुंच गए थे। ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगहों पर बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपके होंठ और चेहरा पूरी तरह से फट सकता है, इसलिए हमेशा पेट्रोलियम जेली अपने साथ रखिएगा। और अब था मौज मस्ती का टाइम। अगले 1 घंटे हमने इसी स्थान पर बैठकर नेचर के इस सुंदरतम रूप के दर्शन किए और अपनी लाइफ टाइम मेमोरीज के लिए ढेर सारी फोटोग्राफी भी की। यहाँ से लौटकर ठीक 7 बजे हम वापस रालम गांव पहुँचे। जल्दी जल्दी में खाना बनाया और खाकर सो गए, क्योंकि कल की हमारी चढ़ाई इस ट्रैक की सबसे खतरनाक चढ़ाई होने वाली थी, क्योंकि हमें 4,700 मीटर हिट करना था। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।